नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड राज्य में पाए जाने वाले प्रमुख ऊर्जा संसाधन खनिज, जिसमें कोयला और आण्विक खनिज प्रमुख हैं, को इनके उपयोग के साथ साथ इनके प्राप्ति स्थानों का भी विस्तार पूर्वक हम लोग अवलोकन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि झारखंड राज्य से संबंधित जो अन्य विषय के साथ साथ करंट अफेयर से संबंधित वीडियो हैं, उसका सेशन का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो JSSC हो या JPSC की प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, उसे आप लोग देख सकते हैं। साथ ही इस सेशन का यदि आप लोगों को फ्री PDF चाहिए तो आप मेरे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं सर्वप्रथम और देखते हैं कि झारखंड में कोयले का वितरण कहाँ कहाँ पे है। तो झारखंड में जो कोयला पाया जाता है वो मूल रूप से गोंडवाना क्रम में, ध्यान रखिएगा, गोंडवाना क्रम में कोयला पाया जाता है। और यह जो कोयला है यह बिटुमिनस और एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला है। बिटुमिनस कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है वह 78 से 86% तक होती है, वहीं एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 94 से लेकर 98% तक होती है और इसे सर्वोत्तम कोटि का कोयला कहा जाता है। झारखंड में उपलब्ध कोयले के तीन प्रकार हैं, यानी तीनों प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, जिसमें पहला है कोकिंग, दूसरा है अर्ध कोकिंग और तीसरा है गैर कोकिंग कोयला। इन तीनों प्रकार के कोयले झारखंड में पाए जाते हैं और संपूर्ण भारत में 100% कोकिंग कोयले का उत्पादन केवल और केवल झारखंड राज्य में ही होता है। इसके साथ ही इसका जो संचित भंडार है वह भी केवल झारखंड राज्य में ही पाया जाता है। झारखंड में कोयले के वितरण को हम लोग एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कोयला के उत्खनन, उसके संचित भंडार आदि से संबंधित, इसे भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो झारखंड में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है यह पाया जाता है, यह हम लोग देख चुके हैं। और यदि झारखंड सरकार के विभागीय आंकड़ों को देखें तो झारखंड में 27.3% कोयला जो है वह झारखंड राज्य में पाया जाता है। वहीं इंडियन मिनरल बुक की बात करें तो उसके अनुसार देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 18% इंडियन मिनरल बुक के अनुसार झारखंड में उत्पादित किया जाता है। झारखंड का देश में पहला, भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड का पहला स्थान और उत्पादन के दृष्टिकोण से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के उपरांत यह तीसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है और इसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पश्चात झारखंड कोयला उत्पादन के मामले में भारत में तीसरे पायदान पर है। देश के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 132 कोयला खान झारखंड में प्राप्त होता है। वहीं अधिकांश जो उत्पादन है हमारा वह दामोदर घाटी क्षेत्र में होता है और यह झारखंड के कुल उत्पादन का 95% कोयला अकेला उत्पादित करता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि दामोदर घाटी क्षेत्र के झरिया कोयला क्षेत्र में भारत का 100% आपका कोकिंग कोल का उत्पादन किया जाता है और यहीं पर कोकिंग कोल का सर्वाधिक भंडार भी पाया जाता है। यदि झारखंड में प्रथम कोयला उत्खनन की हम लोग बात करें तो यह झरिया कोयला क्षेत्र में ही आरंभ हुआ था और झरिया क्षेत्र वर्तमान समय में संपूर्ण झारखंड का 60% कोयला अकेला ही उत्पादित कर देता है। और यह जो क्षेत्र है यह भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दोनों प्रकार के कोयला जो हम लोग देख चुके हैं पहले, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, यहाँ से दोनों प्रकार के कोयले का उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर दो अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है कि झारखंड का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वह है झरिया कोयला क्षेत्र। सबसे बड़ा कोयला का खान झरिया का खान है और क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, यह उत्पादन के दृष्टिकोण से है। झरिया का खान उत्पादन के दृष्टिकोण से है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कर्णपुरा कोयला का खान झारखंड का सबसे बड़ा खाद्यान्न है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से
कर्णपुरा खादान झारखंड का सबसे बड़ा खादान है और उत्पादन के दृष्टिकोण से झरिया खादान झारखंड का सबसे बड़ा खादान है। अब यदि हम लोग वितरण की बात करें तो झारखंड में मूल रूप से दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, इसके पश्चात औरंगा और उत्तरी कोयल नदी क्षेत्र, उत्तरी कोयल और उसकी सहायक नदी प्रणालियां जो है उसके अंतर्गत कोयला पाया जाता है। वहीं संथाल परगना में भी कोयला पाया जाता है, ये ध्यान रखेगा, संथाल परगना में भी कोयला पाया जाता है। दामोदर नदी के उत्तरी भाग में झारखंड में कोयले का निक्षेपण हमें प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम लोग वितरण की बात करें कि किस किस क्षेत्र से कोयले का उत्पादन झारखंड में किया जाता है, तो झारखंड में कोयला उत्पादन के मूल रूप से 5 क्षेत्र हैं, जहां से देश के कुल 1/3 यानी 33% भाग का उत्पादन लगभग यहां से किया जाता है। तो कौन कौन सा क्षेत्र है? पहला है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, जिसमें झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो और कर्णपुरा क्षेत्र आता है। झरिया और कर्णपुरा, ध्यान रखिएगा, झरिया उत्पादन के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर है, वहीं क्षेत्रफल के अनुसार कर्णपुरा प्रथम स्थान पर आता है। दूसरा कोयला का महत्वपूर्ण क्षेत्र है बराकर बेसिन क्षेत्र, जो बराकर नदी के अंतर्गत है और यह हजारीबाग के इटखोरी, कूजू, चोप और गिरिडीह आदि में स्थित है। तीसरा है अजय बेसिन क्षेत्र, जो हजारीबाग जिला का जयंती, सागोरी, कुंडित और करैया यहाँ पर स्थित है, यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। वहीं राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के ब्राह्मणी, पंचवारा, छपरबिट्टा, गिलवाड़ी, हैना आदि में कोयले का उत्पादन किया जाता है। वहीं उत्तरी कोयल बेसिन क्षेत्र में डाल्टेनगंज, हुटार, औरंगा और अमानत नदी क्षेत्र में कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है ये 5 क्षेत्र और उनके प्रमुख उत्पादक केंद्र जो है, जहां कोयले का वितरण है, जहां से उत्खनन किया जाता है, यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सोवियत संघ या वर्तमान रूस की सहायता से झारखंड में चलने वाली कोल परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो पहला है झरिया क्षेत्र से कुमारी ओसीपी कोयला क्षेत्र का विकास और परिवर्धन करना, और दूसरा है झरिया क्षेत्र के ही सीता नाला का विकास सोवियत संघ या वर्तमान रूस की सहायता से यहां पर किया जा रहा है। वहीं वर्ल्ड बैंक के द्वारा झारखंड में 5 कोयला परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें पहला है झरिया कुकिंग कोयला परियोजना, दूसरा है रजरप्पा परियोजना, तीसरा है राजमहल परियोजना, चौथा दामोदर और पांचवा कतरास परियोजना महत्वपूर्ण है, जो कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। कोयले का मूल रूप से जो हम लोग उपयोग करते हैं वह कोकिंग कोल और गैर कोकिंग कोल से संबंधित है। तो कोकिंग कोल का जो उपयोग होता है वह भारी उद्योगों में, विशेषकर धात्विक उद्योगों में, धौंक भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस जिसे हम लोग कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में कोकिंग कोल का उपयोग किया जाता है और मूल रूप से इसका उपयोग हम लोग लौह इस्पात उद्योग में करते हैं। नेक्स्ट है गैर कोकिंग कोयले का उपयोग, तो इससे स्पंज लोहा, ताप शक्ति, रेलवे, सीमेंट, खाद, ईंट भट्टी, घरेलू ईंधन आदि के रूप में गैर कोकिंग कोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा झारखंड में आण्विक खनिज, तो आण्विक खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? तो झारखंड में मूल रूप से 6 प्रकार के आण्विक खनिज पाए जाते हैं। पहला है यूरेनियम, दूसरा थोरियम, तीसरा इल्मेनाइट, चौथा बेरिलियम, पांचवा मोनाजाइट और छठा जिरकन। ये 6 आण्विक खनिज झारखंड के विभिन्न जिलों और क्षेत्रों में पाए जाते हैं और वर्तमान समय में उनका उत्खनन किया जाता है। मूल रूप से यहाँ पर हम एक मैप के माध्यम से समझेंगे कि कहाँ कहाँ झारखंड में आण्विक खनिज पाए जाते हैं। तो रांची में हमारा मोनाजाइट और जिरकन, थोरियम और इल्मेनाइट प्राप्त होता है। रांची जिला में 3 खनिज प्रमुख है, मोनाजाइट और जिरकन, थोरियम और इल्मेनाइट। उसके पश्चात पूर्वी सिंहभूम का जादूगोड़ा का क्षेत्र यूरेनियम उत्खनन के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। वहीं धनबाद में थोरियम पाया जाता है और हजारीबाग के अतिरिक्त कोडरमा और गिरिडीह जिलों में बेरिलियम पाया जाता है। हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में बेरिलियम बेरिल खनिज से प्राप्त होता है। तो झारखंड में पाए जाने वाले सभी आण्विक खनिजों का यहाँ पर एक संक्षेप में हम लोग देख चुके हैं। इसके पश्चात अब हम इसे विस्तार पूर्वक से समझने का प्रयास करते हैं। तो यूरेनियम का जो निष्कर्षण है वह आण्विक खनिजों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और 1 टन, ध्यान रखिएगा, 1 टन यूरेनियम अयस्क के शोधन के बाद 1 किलो यूरेनियम हमें
प्राप्त होता है, और यूरेनियम का जो मुख्य खनिज है वह है पिंचब्लेंड, और इसकी प्राप्ति आर्कियन युग के धारवाड़ चट्टानों से होती है। यूरेनियम की प्राप्ति आर्कियन युग के धारवाड़ चट्टानों से होती है, और यह झारखंड में दो स्वरूपों पिंचब्लेंड पैग्मेटाइट, पिंचब्लेंड पैग्मेटाइट और यूरेनियम कंपाउंड के रूप में पाया जाता है। झारखंड का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र है जादूगोड़ा, जो न केवल झारखंड अपितु संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त ढालभूमगढ़, तुरामडी, बागजत, केरुआ डुमरी और नरवा पहाड़, केरुआ डुमरी और नरवा पहाड़ में भी यूरेनियम का उत्खनन किया जाता है, जिसमें तुरामडी उत्खनन केंद्र सबसे प्रमुख है। वहीं जादूगोड़ा में उत्खनन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी, और 67 से ही जादूगोड़ा में यह उत्खनन कार्य कर रही है। यूरेनियम शोध कारखाना की स्थापना जादूगोड़ा क्षेत्र में ही की गई है। यूरेनियम के पश्चात अगला आण्विक खनिज है थोरियम, और इसका मुख्य क्षेत्र रांची के पठार और धनबाद में इसका निक्षेपण हमें प्राप्त होता है। रांची के पठार और धनबाद में थोरियम का निक्षेपण प्राप्त होता है। अगला जो खनिज है आण्विक खनिज हुआ है इल्मेनाइट, और इसका उपयोग टाइटेनियम धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। इस टाइटेनियम धातु का जो उपयोग है यह मूल रूप से अंतरिक्ष, परमाणु और रक्षा क्षेत्र में प्रमुखता से किया जाता है। इल्मेनाइट का जो प्रमुख प्राप्ति क्षेत्र है वह है झारखंड का रांची जिला। झारखंड के रांची जिला में इल्मेनाइट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा बेरिलियम, जो कि बेरिल खनिज से प्राप्त होता है, और झारखंड में यह मुख्य रूप से अभरक पट्टी, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह के क्षेत्रों में बेरिलियम की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है जिरकन और मोनाजाइट, और यह जो है रांची और हजारीबाग जिलों में प्राप्त होता है। जिरकन और मोनाजाइट जो है हजारीबाग और रांची जिलों में प्राप्त होता है। झारखंड सरकार ने झारखंड में खनिज संसाधनों के विकास तथा उनके समुचित उपयोग के लिए 7 मई 2002 को रांची में झारखंड राज्य खनिज वितरण निगम लिमिटेड की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य खनिज वितरण निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो रांची में, और इसकी स्थापना 7 मई 2002 को की गई थी। इसके द्वारा झारखंड राज्य में कई खनन परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें प्रमुख है सिकनी कोयला परियोजना, सिकनी लातेहार जिले में है, बेंती बंगड़ा चूना पत्थर परियोजना पतरातू रांची जिले में, वहीं सेमरा सलतुआ चूना पत्थर परियोजना डाल्टेनगंज पलामू जिले में, चौथा है विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना विश्रामपुर पलामू में, पांचवा है चड़ूला सिमल गोड़ा स्टोन चिप्स पढ़ड़वा साहेबगंज में। ध्यान रखिएगा, पढ़ड़वा का क्षेत्र है जो साहेबगंज जिला में, स्टोन चिप्स से संबंधित परियोजना झारखंड राज्य खनिज वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित की जा रही है। वहीं तुपुदाना में ग्रेनाइट उद्योग की परियोजना इसके द्वारा संचालित की जा रही है। अब हम लोग झारखंड में जो नवीन संचित भंडार विभिन्न अयस्कों के पाए गए हैं उसे यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तो पहला है यूरेनियम। यूरेनियम बाना डुंगरी और सिमरी डुंगरी में प्राप्त हुआ है। इसका नवीन निक्षेप जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, वहीं यूरेनियम अयस्क पूर्वी सिंहभूम के ही सीताडांगा और इचड़ा गाँव में प्राप्त होता है। प्लेटिनम किंकेल क्षेत्र और कुरडेग जो कि सिमडेगा जिले में स्थित है, और जमशेदपुर में इसके निक्षेप हमें प्लेटिनम के प्राप्त हुए हैं। टोपस्टोन स्टुआ डुंगरी और पूर्वी सिंहभूम में प्राप्त होते हैं। टोपस्टोन का निक्षेप पूर्वी सिंहभूम के टुआ डुंगरी, ब्लू डॉट लॉ एस का निक्षेपण पश्चिमी सिंहभूम के हाथूजोला, तथा पायरोक्यूजनाइट का निक्षेपण पूर्वी सिंहभूम के टुआ डुंगरी, और क्वार्ट्जाइट का निक्षेप भी टुआ डुंगरी जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है वहां पाया जाता है। तो झारखंड के ऊर्जा संसाधन से संबंधित आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस सेशन से लाभ हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियो को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। इसके अतिरिक्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि हमारे मोटिवेशन का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।